ओके दोस्तों, क्या हालचाल? ये है JBL Go 3। JBL ने ये स्पीकर रिसेंटली मार्केट में लॉन्च किया है। इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी टाइम से था ये, बट इंडियन मार्केट में अभी महीना डेढ़ महीने पहले ये लॉन्च हुआ है। मैं इसकी वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। तो दोस्तों, इससे पहले मैं कि JBL Go 3 को अनबॉक्स करूँ, JBL Go सीरीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो JBL Go सीरीज के 4 स्पीकर ऑलरेडी ही आपको इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। ये JBL की Go सीरीज का 5th स्पीकर है। एंड दोस्तों, JBL Go सीरीज के सभी स्पीकर की मैंने अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड कंपैरिजन, इवन कंपैरिजन वीडियोस भी चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज चैनल पे विजिट करके JBL के पिछले सभी Go सीरीज के स्पीकर्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, इवन आपको कंपैरिजन वीडियोस भी मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो JBL Go सीरीज का सबसे पहला स्पीकर था ये JBL Go। इसकी हालत पे मत जाना, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास ये काफ़ी लंबे टाइम से है। और कमाल की बात है, ये इस हालत में आज भी काम करता है। उसके बाद JBL ने लॉन्च किया JBL Go 2, जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट उसकी मैंने अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड कंपैरिजन तीनों ही वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, तो चेकआउट करना ना भूलें। उसके बाद JBL ने लॉन्च किया ये वाला स्पीकर JBL Go Plus, जो इसका अपग्रेड था, इसका बड़ा भाई था JBL Go Plus। इन दोनों के भी कंपैरिजन वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आया JBL Go 2 Plus, उसकी भी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये था JBL के Go सीरीज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। तो अभी आ गया है JBL की Go सीरीज का JBL Go 3। पिछली Go सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। JBL ने सिर्फ नाम के अलावा उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए थे, बट JBL Go 3 में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें इसमें से निकाली गई हैं। सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो के साथ बन रहे हैं, साथ ही मैं इसकी कंपैरिजन वीडियोस भी लेके आने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी इसकी कंपैरिजन वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कंपैरिजन वीडियो देख सकें। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है एंड Go 3 देखने को मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब इनको रख देते हैं हम साइड में एंड बात करते हैं हमारे मेन स्पीकर की। तो दोस्तों, स्पीकर का फर्स्ट लुक जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम डिज़ाइन लगता है देखने में, एंड इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी आई कैचिंग है। एंड इसका डिज़ाइन देख के मुझे क्या आपको भी कुछ याद आ रहा होगा, इसका डिज़ाइन किसी ब्लूटूथ स्पीकर के साथ में मिलता है। किसके साथ में मिलता है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका डिज़ाइन आपको किस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ में मिलता जुलता लग रहा है। एंड बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का इसमें यूज़ किया गया है। इसके अराउंड में यहाँ पे आपको फैब्रिक का यूज़ देखने को मिल जाता है, साथ में आपको सिलिकॉन रबड़ का यूज़ देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। पिछली सभी Go सीरीज में आपको सिलिकॉन रबड़ का यूज़ देखने को मिलता था, बट Go 3 में आपको फैब्रिक का यूज़ देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। सामने की तरफ आपको यहाँ पे JBL की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो आप Go 3 को 3 डायरेक्शन में सुन सकते हैं। एक तो कहीं हैंग करके सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्टेप देखने को मिल जाता है। दूसरा, आप इसको इसके स्पीकर को ऊपर की डायरेक्शन में रख के सुन सकते हैं, एंड आप इसको सामने की डायरेक्शन में भी रख के सुन सकते हैं। बात करें कंट्रोल बटन्स की, तो आपके इस साइड में आपको इसके वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स देखने को मिल जाते हैं, सॉन्ग प्ले एंड पॉज बटन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको इसका पावर बटन देखने को मिल जाता है, इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है, एंड साथ में आपको ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए बटन देखने को मिल जाता है। साथ में आपको Go 3 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, एक छोटा सा, जो इसके लुक को काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। एंड साथ में आपको टाइप सी इनपुट देखने को मिल जाता है। टाइप सी से मैं बता दूं कि ये 5 वाट पावर इनपुट को सपोर्ट करता है। इसके साथ में 5 वाट के अडेप्टर का ही यूज करें, क्योंकि अगर आप 5 वाट से ज्यादा पावर इनपुट लेते हैं इसमें, तो आपकी बैटरी को ये लॉन्ग टर्म में डैमेज कर सकता है एंड आपके बैटरी बैकअप को कम कर सकता है। एंड बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको 4.2 वाट RMS आउटपुट देखने को मिल जाता है, जो पिछली Go सीरीज के कंपैरिजन में 1.2 वाट RMS ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इसमें आपको 110 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। एंड बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिल जाता है, एंड इसके ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी रेंज आपको 10 मीटर की देखने को मिल जाती है। पिछली Go सीरीज में आपको ब्लूटूथ के साथ साथ में
ऑक्स की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है जो गो 3 में नहीं मिलेगी। बात करें इसकी बैटरी की तो पिछली गो सीरीज के जैसे ही आपको इसमें भी 5 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी की तरफ से क्लेम किया गया है। रियल यूजेज में कितना बैटरी बैकअप देता है वो बहुत ही जल्द इसका बैटरी बैकअप निकाल के इसके कंपैरिजन वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। एंड इसकी बैटरी को 0 to 100 फुल चार्ज करने में 2.5 घंटे का टाइम लगता है। साथ ही इसमें आपको ऑटो पावर कट देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको थोड़ी देर यूज नहीं करते हैं, इस पे सॉन्ग नहीं सुनते हैं या इस पे कुछ प्ले नहीं करते हैं तो ये अपनी पावर को अपने आप कट कर लेगा और आपकी बैटरी को सेव कर देगा। साथ ही इसमें आपको माइक देखने को नहीं मिलेगा तो इस पे आप कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए माइक इम्पोर्टेंट है या नहीं है। साथ ही इसमें आपको IPX57 की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो ये स्पीकर कम्प्लीटली वाटर प्रूफ देखने को मिल जाता है। आप इसको 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक यूज कर सकते हैं। एंड JBL का ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर आपको मेड इन वियतनाम देखने को मिलेगा, मेड इन चाइना नहीं है। एंड इसके कलर की बात करें तो इसमें आपको 3 कलर अवेलेबल है अभी, ब्लू, रेड एंड ब्लैक। तो जो भी आपका फेवरेट कलर है आप परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं या फिर इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशंस। अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड की। देखते हैं इस पे कुछ सॉन्ग प्ले करके कि कैसे ये साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसे इसमें आपको मेड, हाइस, वोकल एंड बेस देखने को मिलती है। तो साउंड टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने हेडफोन्स का यूज करें। Why are you sitting next to the piano? Well, ever since you went off to college, I decided... देखो बेस का अमाउंट आपको उतना ज्यादा डीप नहीं देखने को मिलेगा, बट जितनी बेस सुनने को मिलेगी वो काफी रिच बेस रहने वाली है। 80% वॉल्यूम के ऊपर इसकी बेस थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है एंड 90% वॉल्यूम के ऊपर इसकी आवाज बिल्कुल थोड़ी सी डिटोर्स करती है। ऑडियो फाइल लवर के लिए ये बेस्ट है। जिसको वोकल्स के लिए ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए उसके लिए बेस्ट है। वोकल्स इसमें आपको क्लिस्टर क्लियर सुनने को मिलेंगे। म्यूजिक आपको हर एक डिटेल में म्यूजिक सुनने को मिलेगा। हर एक बीट को आप अलग से सुन सकते हैं। काफी अच्छे डिटेल में म्यूजिक प्रोड्यूस करता है ये। हाई वॉल्यूम पे थोड़ा सा फ्लैट साउंड करता है। जब इसको आप 100% वॉल्यूम पे प्ले करते हैं इसके हाईस थोड़े से शार्प हो जाते हैं। वोकल्स की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोकल्स क्लियर रहते हैं, जैसे आपको 80% या 60% पे मिलते हैं वैसे ही आपको हाई वॉल्यूम पे देखने को मिलेंगे। बट इसके हाई जो है वो 100% वॉल्यूम पे आपको थोड़े से शार्प सुनने को मिलेंगे एंड बेस इसकी थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। बेस का अमाउंट आपको उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं या फिर इसका लेटेस्ट प्राइस चेक करना चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसी रेंज में मैं कुछ अच्छे स्पीकर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं।
साथ ही अगर आपको JBL का ही स्पीकर लेना है एंड आपका बजट 3000 रुपए के नियर अबाउट है तो JBL Flip 3 को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो इसी प्राइस में आपको काफी अच्छी वैल्यू दे रहा है। एंड इसकी कंपैरिजन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जब भी इसकी कंपैरिजन वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप इसकी कंपैरिजन वीडियोस देख सकें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसका कंपैरिजन किस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ में देखना है, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।